आज का वीडियो कोई सेशन एक धमाका है, जैसे मैं हटूंगा और आपको वाकई में जो निमसेट के लिए कंसर्न है उनके लिए धमाका ही बोल सकते हैं। वीडियो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, हो सकता है कि विद इन अ सेकेंड में एक्सप्लेन कर दूं, मगर मेहनत बहुत की गई है। और अगर ये मैटर आपको मिलेगा और जो बहुत सीरियस है उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मुझे लग रहा था कि शायद मैं ऐसी चीज़ों को डिस्प्ले ना करूं, मगर मुझे लगा कि आप मावला क्लासेस के पार्ट हो गए हैं तो ये एनालिसिस आपके पास भी पहुंचनी चाहिए और इस पर वर्क करें। बहुत छोटा है, बस जो वे है उस वे और उस दिशा को परिवर्तन करने वाला वीडियो होगा। कहते ना कि दिल थाम के बैठो। देखिए कर क्या रहे हम लोग, ये चार्ट है, चार्ट एकदम विजिबल अगर नहीं भी है तो अभी हम बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे क्या होने वाला है और आगे इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हम देंगे। बस पहला वीडियो आपकी दिशा को बदलेगा और जो इम्पॉर्टेंट डेज बचे हैं, मतलब 5 या 6 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी निमसेट की तैयारी को वो डिफाइन करने वाले हैं। जैसा कि लिखा है निमसेट एनालिसिस चार्ट, कहने का मतलब है कि आप रो वाइज देखिए, ध्यान दीजिए, तो आपको सीरियल नंबर यहाँ पे दिखे हैं, टॉपिक नेम लिखे हुए हैं, ईयर लिखे हैं 2008। जैसा कि पता है कि निमसेट की शुरुआत 2008 से हुई थी, हर एक ईयर को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। एक बात और बता दें, मावला क्लासेस रन बाय अमित कटियार लोग बोलते हैं, मगर ये एफर्ट मेरा नहीं है और हमेशा हमने आदत बना के रखी है। मेरी आदत है कि जो एफर्ट जिसका होना चाहिए उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। मैंने इसमें कुछ भी एफर्ट नहीं किया है, बस केवल आपके सामने मैं बोलने वाला हूँ। बाकी ये स्टूडेंट का प्रयास है तो स्टूडेंट इतना बेहतर कर सकते हैं तो आप भी बेहतर कर सकते हैं। बस आपको मैंने एक दिशा और एक डायरेक्शन दे रहे हैं या फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन या फिर फोकस कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं केवल बस आपको यहाँ पढ़ दे रहा हूँ, बाकी प्रयास स्टूडेंट्स का ही है। तो सारे ईयर यहाँ लिए गए हैं, आप जान रहे हैं कि अब 2019 का पेपर होगा तो 2018 तक लिया है। क्या किया है, मैथ्स के टॉपिक उठाए हैं और सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं अकाउंटिंग में उनको सबसे ऊपर रखा है और जैसे टॉप टू बॉटम चलेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने टॉपिक को लिस्ट किया है। अब हम बोल रहे हैं कि टॉपिक इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट हमारे या आपके इंटरेस्ट पर नहीं होता है। टॉपिक जो टॉपिक सबसे ज़्यादा आया है वो टॉपिक उस एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ ध्यान दें, देखिए ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले टॉपिक को हमने लिया है। ट्रिग्नोमेट्री हर एक ईयर के क्वेश्चन को यहाँ दिखाया है, 75 अभी तक 75 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के आ गए हैं, वो तो बहुत बड़ी बात है। 75 का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हर एक एग्जाम में देखिए 2017 में तो बिल्कुल बम फूट गया, 11 क्वेश्चंस। सोचो जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं करके गया और 11 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप समझ रहे हैं कि लगभग NIT की एक किसी NIT के पायदान पहुंच गए, 150 नंबर के करीब बने या 120 बने, तो पायदान बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आप आज से, मैं रियल में अगर जिसने ये वीडियो देखा तो चुपचाप वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू कर देगा और आ जाएगा लाइन पे जो बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए वेक्टर, वेक्टर के मैंने बहुत सारे सेशन लिए, हो सकता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वेक्टर इजी हो इसलिए वेक्टर बनाए जाते हैं, मगर देखिए 59 क्वेश्चंस वेक्टर कवर कर रहे हैं, तो वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। आप हर एक ईयर में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि 2015 में 8 क्वेश्चन वेक्टर के आए, उस समय उस टाइम पर अगर जिसने वेक्टर पढ़ा होगा तो कितना ज़्यादा स्कोरिंग उसने किया होगा। यहाँ पे आप सारी चीज़ें आप देख लीजिए, तो ट्रिग्नोमेट्री वेक्टर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक ऐसा टॉपिक है जो जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। 69 क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं, यानी कि 69 तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट वेक्टर को इसलिए ऊपर रखा गया है कि वेक्टर एक छोटा सा टॉपिक है, तब 59 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, 69 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा है, फिर भी वो कहीं भी किसी मामले में आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। कि मैथ्स का पार्ट आप जानते हैं कि 12 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, अगर 5 क्वेश्चंस भी आ गए तो बहुत ज़्यादा पोर्शन, मेजर पोर्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई वो बात। उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी पर जोर क्यों दिया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी हमेशा इंपॉर्टेंट क्यों बनी हुई है, निमसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ देख सकते हैं ग्रांड टोटल कितना आया प्रोबेबिलिटी। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन कॉम्बिनेशंस, ऊपर के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे के टॉपिक भी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्रोबेबिलिटी एक ब्रॉड पोर्शन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटा सा पोर्शन है। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे अगर ली गई है, देखिए कहाँ पर है, 7 नंबर पोजीशन 26 क्वेश्चन अगर कोऑर्डिनेट के क्वाड्रेटिक के आए हैं, केवल क्वाड्रेट 26 आए और इसके दोगुने क्वाड्रेट के आए तो दोगुना अगर कर दिया गया, पर क्वाड्रेट में 60 टॉपिक आपको कम से पढ़ने पड़ेंगे, क्वाड्रेटिक छोटा सा पोर्शन है। तो जितने भी टॉपिक आज दिए गए हैं आज बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से आप पढ़ लीजिए। इसका एक डिस्प्ले अगर नहीं भी विजिबल है,
एक डिस्प्ले यानी कि एक फोटो इमेज आपको मैं डिस्प्ले करूंगा यहाँ पर, तो आपको पूरी ग्रिड यहाँ दिख जाएगी मैट्रिक्स। पार्ट वन करके ये अपलोड करेंगे, फिर पार्ट टू, पार्ट थ्री, जितने भी पार्ट में जाएगा, अगर पांच पार्ट में गया तो कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, मैथ्स के सारे टॉपिक वाइज, कंप्यूटर में भी हम लोग ईयर वाइज करेंगे और आगे आगे और भी कुछ करने वाले एनालिसिस। तो आप देखते रहें, एक हमारे निमसेट एनालिसिस सीरीज का शुरुआत आज है। इसमें हम लोग हर तरीके से टॉपिक वाइज भी करेंगे और ईयर वाइज भी करेंगे। तो पहला वीडियो आप आपके सामने है, और मुझे लगता है कि जो अगर निमसेट को सीरियसली ले लोगे तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप फीडबैक दें, ज़रूर आप लिखें कि कैसा ये प्रयास था, उनके लिए लिखें जिन्होंने ये प्रयास किया, आप तक ये बात पहुंची है तो उनको ज़रूर अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। और मावला क्लासेस का प्रयास कैसा लग रहा है, ये वीडियोस जो आते हैं उनको आप किस तरीके से लेते हैं, ज़रूर आप लिखिए। कम्युनिकेशंस में आप ज़रूर बने रहें, जिससे कि मुझे पता रहे कि आप कितने लोग वहाँ पे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि आज का वीडियो यहीं तक और इतनी बातें यहीं तक, छोटा सा था बट ये छोटे छोटा कहते ना मोटी मोटी बातों का जैसा हो गया। चलिए, थैंक यू।